तो भाई ये वाला जो एरिया ना, ये हमारे एरिया का मतलब गाजियाबाद का आजकल जो है सबसे ज्यादा जाम लगा हुआ एरिया है, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बिगनर्स को जाम के अंदर कैसे ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी जो साइड है ना, वो एंगल जो कैमरे के अंदर आ रहा होगा उस विजन के अंदर आपके जो ओवरव्यू है वो दोनों एडजस्ट रहने चाहिए सेम, मतलब आपको प्रॉपर विजिबिलिटी होनी चाहिए अपने दोनों साइड्स में। और जब भी आप गाड़ी चलाओगे हाथ तो ऐसे ही रखना है आपको, लेकिन आपको ये चीज मेजर करनी है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी साइड से गाड़ी निकल जाएगी, इतनी जगह है आपकी, तो ये आप गाड़ी निकालने की कोशिश करें, कट लेने की कोशिश करें। अदरवाइज बिगनर में कट लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर कट लेने की कोशिश करोगे ना तो उतनी स्पीड में हैंडल नहीं कट पाएगा आपका, ठीक है। और मोस्टली बिगनर्स के साथ क्या होता है कि उनकी गाड़ी जाम में बंद हो जाती है, क्योंकि वो जो क्लच है कभी वो ज्यादा छोड़ देते हैं, और ज्यादा छोड़ दोगे तो आपकी गाड़ी झटके लेके बंद होगी, और अगर हल्का छोड़ोगे और हल्के छोड़ के रेल दोगे तो उसमें आपके क्लच पे ठुकने के भी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अगर क्लच हाफ दबा हुआ होगा और तब भी आप रेस दे रहे हो तो उससे गाड़ी तो चलेगी, लेकिन उससे आपके क्लच पे ठुकने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और जैसे अभी देख रहे हो जाम में बाइक वाले आ रहे हैं, इनसे आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि आपकी जो ड्राइविंग है ना वो इतना तो इन पे असर करे ना आपके ऊपर ज्यादा असर करे, क्योंकि अगर ये एकदम से आ गए तो एकदम से आपको पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। तो आप इतना फ्रंट से स्पेस लेके चले सामने वाली गाड़ी से कि अगर वो एकदम से ब्रेक मारे तो आपके ब्रेक आराम से लग जाए, वो ज्यादा चीजें मेन होती हैं। और जैसे कि अभी आप देख रहे हो साइड में जगह है, लेकिन आपको जब भी काटनी है गाड़ी, जब आप बिल्कुल श्योर हो जाओ कि आपकी इतनी स्पेस में गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी। वैसे तो अभी प्रो लेवल सीरीज चालू करने में बिगनर पार्ट चल रहा है, और अगर प्रो लेवल होती तो फिर मैं आपको बताता कि आप ऐसी जगहों पे कैसे कट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लेंगे और टाइम लेके बताएंगे, नहीं तो फिर आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। और ये वाला एरिया, इसमें एक चीज़ और भी है, वैसे तो ये हाईवे है और अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर रोड में, मेट्रो का काम चल रहा है, तो उस वजह से क्या है ना इसमें लेन डिवाइडेड नहीं है अभी, क्योंकि रोड को चौड़ा कर रखा है उसमें लेन डिवाइड नहीं है। तो आप कोशिश करना कि जब भी आप जाम के अंदर गाड़ी चलाओ आप एक ही लाइन के अंदर अपनी गाड़ी रखो, यानी कि एक ही लेन के अंदर रखो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब आप लेन से बाहर होते हो ना तो जब साइड में से कोई गाड़ी कट लेकर आती है तो वो आपके आगे भी आके लग जाएगी, लेकिन आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि वो कब आई। मोस्टली होता है बहुत सारे मतलब जो ऐसे रफ ड्राइविंग करते हैं उन अधिकतर वो यही होता है कि साइड से गाड़ी आगे लगा देते हैं और आपकी गाड़ी फिर लाइन से बाहर हो जाती है, क्योंकि दोनों जो लेन है वो अलग अलग बैठ जाएंगे और आपकी गाड़ी रहेगी उन दोनों लेनों के बीच में, तो फिर आप उसमें रॉन्ग ठहराए जाओगे। ये सारी चीजें आपको ट्रैफिक के अंदर याद रखनी है। तो जैसा कि आप देखते हो ना कई बार जब आप लाइन के अंदर होते हैं तो बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, जैसे कि अब ये सामने वाला बंदा, ये भाई अपने लाइन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप बिगिनर लेवल में हो तो आप इन्हें आराम से अंदर आने दो लाइन के, थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि आप अगर ये एकदम से और आगे स्पीड तेज करके घुसाएंगे ना तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करके रखनी है, और आपका जो हॉर्न है ये सबसे ज्यादा नेसेसरी रहता है आपको जाम के टाइम में, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां क्या होती हैं एकदम से आ जाती है ना, तो अगर आप गाड़ी है जैसे ये आगे जा रही है इसे हॉर्न देके आगाह भी कर सकते हो, आगाह भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप ध्यान रखना, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है ना आपका, एक जो रोल प्ले होता है वो आपका ब्रेक और क्लच, ठीक है, इन दोनों का भी बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है आपका जाम के अंदर। वो किस वजह से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो डीजल की गाड़ियाँ होती है उनमें इनिशियल टॉर्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो उन्हें इनिशियल टॉर्क इतना होता है कि उनकी गाड़ी 10 से 15 की स्पीड इनिशियल टॉर्क में गेन कर लेती है, तो उन्हें रेस देने की जरूरत नहीं होती। तो जो डीजल वाली गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए सबसे ज्यादा मेन चीज जो रहती है ना वो आपका क्लच और ब्रेक रहता है, क्योंकि जो टॉर्क है उनका बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो उन्हें जो कॉम्बिनेशन बना के रखना है वो अपना क्लच और ब्रेक और आपका हैंडल, जो कि स्ट्रेट तो रहेगा क्योंकि आप एक लेन में चलोगे, तो वो सारी चीजें आपको मेंटेन करनी है। लेकिन एक जो डिस्टेंस है ना, जो सर्टेन डिस्टेंस आप देख रहे हो, इतना मेंटेन करके रखना, और साथ में जो कॉमर्शियल गाड़ियां होती है जैसे कि सामने मेरे ही है, इनसे तो आपको वैसे भी डिस्टेंस बना के रखना है, तो वो सारी चीजें आपको एक दायरे में रखनी है कि आपको याद रहे सारी चीजें। और जाम में अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो आपको पैनिक नहीं होना, ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब आप बिगनर में होते हो, आप गाड़ियाँ सीख रहे होते हो, तो आपकी गाड़ी में एल लिखा हुआ होता है, हालांकि इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ, क्योंकि तो एल लिखने से क्या होता है ना, जो आपकी आगे वाली और पीछे वाली गाड़ी भी होती है वो एक तरीके से सतर्क हो जाती है, तो वो भी अच्छा रहेगा। तो जितना आप अपना प्रिकॉशन लेके चलोगे ना बिगनर लेवल के अंदर, आपके लिए और आपकी गाड़ी के लिए वो उतना ही अच्छा है, और साथ में दूसरे लोगों के लिए,
तो अब एक चीज और भी आती है, अगर आपको ट्रैफिक के अंदर लेन चेंज करनी है, नॉर्मल वैसे भी आपको अगर गाड़ियों में लेन चेंज करनी है ना रोड्स के अंदर, तो आपको जो आपके इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए थे इससे पहले वाली वीडियो में, ये वाले आपको इन इंडिकेटर्स को ध्यान देना है। जिस साइड भी आपको टर्न लेना है या फिर जिस साइड के भी आपको लेन चेंज करनी है, आपको वो वाला इंडिकेटर दे के रखना है, आप उसे लगातार दे के रखेंगे। क्योंकि आजकल जो नई गाड़ियां आ रही है उनमें क्या होता है, लेन चेंजिंग इंडिकेटर होता है, वो हाईवे के लिए होता है बेसिकली, कि उसे आप हल्का सा नीचे करोगे तो वो आपका जो इंडिकेटर है वो 4 बार या 3 बार ब्लिंक करेगा और फिर बंद हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या करना है आपको, इन ट्रैफिक आपको वो इंडिकेटर प्रॉपर देना है कि आप जैसे टर्न नहीं ले रहे हो, तो उससे क्या होगा आपका इंडिकेटर जो है वो कॉन्स्टेंटली चलेगा। जैसे कॉन्स्टेंटली अब मैंने दे रखा है, ये मेरे को यहाँ से यू टर्न लेना है, तो मेरा जो इंडिकेटर ना ये कॉन्स्टेंटली चलेगा। और नॉर्मल गाड़ियों में क्या होता है, इसे हल्का सा नीचे करोगे ना तो ये जो ब्लिंक है ये 3 बार होएगा, और 3 बार ब्लिंक होने के बाद वो बंद हो जाता है, उसे हम लेन चेंजिंग इंडिकेटर कहते हैं, जो कि आजकल लेटेस्ट गाड़ियों में आ रहा है। वो ये जो है ना आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके रखना है। और जो आपकी गाड़ी की आगे फ्रंट है, जो आपके आई के सामने का यानी कि आंखों के सामने का जो व्यू है ना, इस पर आपको फोकस करके रखना है। क्योंकि अगर आप साइड फोकस करोगे, और जाम में क्या होता है नॉर्मली साइड से बहुत सारे लोग आ जाते हैं कभी भी, तो वो आपको एक चीज़ नोटिस करके रखनी है। क्योंकि अगर वो चीज़ नोटिस नहीं करके रखोगे ना, तो आपकी गाड़ी के जाम में लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वीडियो पूरी देखिए, इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आई है, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर एंड बाय।